देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स ग्रेट न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शादीशुदा प्रेमी ने युवती पर चाकुओं से किया हमला। हरदोई युवती पर चाकुओं से किया जानलेवा हमला। एक तरफा प्यार में शादीशुदा प्रेमी ने किया युवती पर हमला, फिर खुद पर भी किया चाकुओं से वार। शादीशुदा प्रेमी की हुई मौत, युवती की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में भर्ती। शहर कोतवाली क्षेत्र के बेटी का मामला। सीओ सिटी एएसपी पूर्वी मौके पर मौजूद। एसपी अनुराग वत्स प्रकरण की जानकारी लेने जिला अस्पताल पहुंचे। एसपी मौके पर जांच के लिए हुए रवाना। हरदोई से रवि लाला की रिपोर्ट। को लेके इनको आपस में यहाँ इसने चाकू से लड़के ने पहले लड़की को मारा है और फिर खुद अपने आप चाकू से खुद को मारा है, जिससे कि उन इंजरी से लड़के की डेथ हो गई है। अभी तक इतनी जानकारी बात मिली है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन मुकदमा दर्ज करके कराई जा रही है। जो फैक्ट्स आगे आएंगे वो आपको बताया जाएगा। फिर क्या मोटिव क्या था? मोटिव जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो लड़के ने पहले लड़की को चाकू से मारा है और फिर अपने आप को चाकू से मारा है, तो अभी प्रथम दृष्टया जो जांच करने पता चला है कि लोगों की बातचीत होती थी। लड़की की चूँकि शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी मंडे को, लड़के की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को साथ में रख नहीं रहा था, उसका वहाँ केस चल रहा था। लड़का लड़की आपस में बातचीत में थे, जो यहाँ आसपास के लोगों ने बताया, लेकिन अभी और डिटेल जब क्लियर होंगी तो आपको बताया।